नमस्कार गुरुकुल। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है गुरुकुल की वीडियो कक्षा में। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पाठ शुरू किया था कक्षा सातवीं का दादी माँ, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित कुछ चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझा था, पाठ में आए देसी महीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और इसके साथ हमने इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय भी पढ़ा था। तो विद्यार्थियों, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ का सार आज हम शुरू करेंगे, लेकिन पाठ का सार शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी लेखक जब अपनी कहानी लिखता है या फिर उपन्यास लिखता है, संस्मरण लिखता है, किसी भी विधा में, ग्रंथ साहित्य की किसी भी विधा में जब वो लेखन करता है, तो वो उस लेखन में उसे कुछ महत्वपूर्ण पात्रों की आवश्यकता पड़ती है, और उन्हीं पात्रों के आधार पर कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। तो पात्रों का संयोजन करने का भी एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि इस पाठ में, यानी दादी माँ में, जो पात्र हैं, मैं यहां लिख देता हूं पात्र परिचय, पात्रों को विद्यार्थियों दो तरीके से रखा जाता है। पहला तरीका, पाठ में, कहानी में, उपन्यास में, किसी में भी जो पात्र हैं, वो एक तो प्रधान पात्र होते हैं, प्रधान पात्र ठीक है। इस प्रधान पात्र का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? प्रधान पात्र का मतलब होता है कि पाठ के वो कैरेक्टर, पाठ के वो पात्र जो उस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है, जिनके आधार पर कहानी चलती है, ठीक है। तो वो मेन पात्र जो होते हैं, मेन कैरेक्टर जो होते हैं, उन्हें प्रधान पात्र कहा जाता है। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, पहला लेखक स्वयं और दूसरा दादी माँ। तो ये मुख्य पात्र हैं। दूसरा कहानी में होते हैं सहायक पात्र, अब सहायक पात्र क्या होते हैं बच्चों? कौन होते हैं? जो कहानी को आगे बढ़ाने में इन प्रधान पात्रों की सहायता करते हैं, जिनके आधार पर कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस पाठ में जो सहायक पात्र हैं, वो पहला पात्र है किशन भैया, जो लेखक का भाई है। दूसरा पात्र है इसमें राघव, जो लेखक का ममेरा भाई है। ममेरा मतलब मामा का लड़का, ठीक है। तीसरा इसमें सहायक पात्र है रानी की चाची, जिसका नाम है धन्नो, ग्रामीण नाम है। इसके बाद चौथा इसमें पात्र है देबू की मां, ठीक है। ये चार जो है इसमें सहायक पात्र हैं। पहला किशन भैया है, जो लेखक का भाई है। दूसरा राघव, लेखक का ममेरा भाई, यानी मामा का लड़का। तीसरा रानी की चाची, यानी के धन्नो। और चौथा देबू की मां। ये दोनों पात्र कौन है? रानी की चाची और देबू की मां पड़ोसन है, लेखक की पड़ोसिने हैं। तो ये इस पाठ के पात्र हैं, जिनके आधार पर ये जो संस्मरण है, हमने समझा था पिछले वीडियो में बच्चों संस्मरण क्या होता है, ये संस्मरण आगे बढ़ता है। अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, पाठ का सार, यानी कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी को।
किसका लिखा हुआ है? दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी का अपना संस्मरण है, अपनी कहानी उन्होंने लिखी है दादी माँ के रूप में। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। दादी माँ, दादी माँ का नाम आते ही यकीनन हमारा ध्यान हमारी दादी की तरफ गया होगा। हमारी दादी जो हमेशा हमारी सहायता के लिए खड़ी रहती थी, हम जब भी कोई दुस्साहस करते थे या कोई भी गलत कार्य करते थे बचपन में, तो आकर के दादी की ओट में छिप जाते थे और वहां आकर के हमें अभयदान मिल जाता था, यानी माफी मिल जाती थी किसी भी अपराध की, जो भी अपराध हमने किया हो। तो निश्चित रूप से दादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारे जीवन में उसका एक बहुत अच्छा रोल होता है। लेखक के जीवन में भी दादी की बहुत महत्वता है, वो स्पष्ट करते हैं पाठ में कैसे। हम पाठ का सार शुरू करते हैं बच्चों। पाठ शुरू होता है कि लेखक के पास, जब लेखक बड़ा हो गया है, लेखक के पास एक पत्र आया है उसके घर से। लेखक उस पत्र को पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो कुछ ऐसा उस पत्र में पढ़ता है कि उसका ध्यान पुरानी यादों में चला जाता है, पिछली यादों में, यानी कि बचपन के दिनों में चला जाता है। अब वो बचपन के दिनों में चला जाता है तो कैसे? कहानी बचपन से शुरू होती है कि जब लेखक स्कूल में जाता था, स्कूल में पढ़ता था, तो लेखक लिखता है बच्चों कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे सुख दुख, बहुत सारी चीजें देखी थी, लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस करता हूं। किस पक्ष से? परिवार के पक्ष से, यानी कि घर की याद मुझे अक्सर सताती रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब लेखक इस कमजोरी से ग्रसित होकर के यह बात अपने दोस्तों को बताता था, या ये बात लेखक के दोस्तों के सामने जाहिर होती थी, तो उसके दोस्त जो थे उसके मुंह के सामने तो उसकी तारीफ करते थे कि कोई बात नहीं यार, छुट्टियां आ जाएंगी, छुट्टियों में तू घर चले जाना, लेकिन ठीक पीछे उसे कमजोर कह करके चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे कि यार ये तो बहुत कमजोर है, घर की कोई इतनी याद करता है। लेकिन लेखक जो था वो घर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे घर की याद बहुत आती थी। तो इस तरह के दो मुहा व्यवहार करने वाले दोस्त उसके थे। तो लेखक जो है वो घबराता था और इस घबराहट का उसके दोस्त जो है वो मजाक उड़ाते थे। कहानी आगे बढ़ती है, लेखक बचपन के दिनों को याद करता है कि जब बचपन में क्वार के दिनों में, हमने पढ़ा था विद्यार्थियों क्वार क्या है, अश्विन माह, ठीक है ना, जुलाई का महीना जिसमें काफी बरसात होती है। लेखक याद कर रहा है कि क्वार के दिनों में जो है गांव में बहुत ज्यादा बरसात होती थी, और उस बरसात से गांव के जो नदी नाले हैं उनमें से पानी बड़ी तेजी से बह करके गांव के तालाबों में इकट्ठा हो जाता था, और उन तालाबों में पानी के साथ साथ जल में पैदा होने वाले घेरू, जलीय घासें, ये बहुत सारी चीजें उखड़ करके नाले में आ करके तालाब में इकट्ठी हो जाती थी। और जब धीरे धीरे बरसातें समाप्त हो जाती थी, गर्मी बढ़ती थी, और गर्मी बढ़ने के साथ जो तालाब का पानी था वो गर्म होने लगता था, और जैसे ही वो गर्म होता था उसमें जो घास फूस जमा हुआ होता था वो सड़ने लगता था, उसमें से गंध आने लगती थी, बदबू आने लगती थी। लेकिन लेखक कहता है कि गांव के बच्चे जो हैं उस गंध भरे पानी में भी छलांग लगाते थे, कूदते फिरते थे, यानी नहाते थे उस पानी में भी, गंदे पानी में भी। लेखक उन चीजों को आज बहुत याद कर रहा है कि मैं भी बचपन में झाग वाले पानी में नहाया करता था जिसमें बहुत बदबू आती थी, और पानी में नहा करके बहुत अच्छा लगता था। भले ही मुझे गर्मियों के दिनों में आम खाने को ना मिले, भले ही मुझे घर के स्वादिष्ट व्यंजन ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं उस पानी में ना नहाऊं तो मन खट्टा हो जाता था, बहुत बुरा लगता था कि किसी तरह जाकर के दोस्तों के साथ उस पानी में नहाया जाए। तो लेखक उन दिनों को याद कर रहा होता है। लेखक के फिर एक बात और स्मरण आती है कि एक बार वो जब तालाब के गंदे पानी में नहा करके आया तो उसे बुखार हो गया। वैसे तो लेखक खुद लिखता है कि उसे थोड़ा बहुत बीमार होना अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि बीमारी में उसे
घर की तरफ से अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन खाने को दिए जाते थे, कभी साबू की खिचड़ी, कभी नींबू का पानी, अलग अलग जो है उसको खाने को मिलता था, इसलिए उसे वो छोटी बीमारी अच्छी लगती थी। लेकिन इस बार जो लेखक को बुखार हुआ विद्यार्थियों, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर वालों ने बहुत सारे उपाय किए लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। तो ऐसे में लेखक जो है दादी का शब्द चित्र खींचता है। शब्द चित्र क्या होता है बच्चों? शब्दों के द्वारा एक चित्र बना देना कि दादी आती है जिसने किनारीदार धोती पहनी हुई है, जिसके बाल पक गए हैं, चेहरे पर बहुत सारे मौसमों का अनुभव है। वो आती है मेरे कमरे में और आते ही चप्पल बाहर निकाल करके वो कभी मेरे हाथ को छूती है, कभी मेरे माथे को छूती है, कभी मेरे पेट को छूती है। छूटी क्यों थी? बुखार का अंदाजा लगाने के लिए कि बच्चे को, लल्ला को कितना बुखार है। इस तरह से दादी आती और जब देखती कि बुखार है तो वो बहुत ज्यादा मेरी सेवा करती। कभी मुझे गर्म पानी पिलाती, कभी मुझे हवा झोलती, और अगर मेरे हाथ पांव बुखार से तप रहे होते तो उनको ठंडे पानी की पट्टियों से साफ करती। इसके साथ साथ मेरे सिरहाने पर बैठ करके मेरे सर पर हाथ घुमाती रहती और ना जाने कितने उपाय वो करती। दादी माँ को घर में साफ सफाई बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अगर सफाई ना हो तो वो गुस्सा हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, सारे घर वालों पे गुस्सा उतारने लगती थी। तो उसको सफाई बहुत पसंद थी। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, दादी लेखक का बहुत ध्यान रखती है, धीरे धीरे लेखक ठीक हो जाता है। अगला प्रसंग चलता है, जब लेखक बुखार से ठीक होता है तो एक दिन वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है घर के निकसार पर, निकसार क्या होता है? एग्जिट, जिससे हम बाहर जाते हैं, बाहर निकलने का गेट। घर के बाहर निकलने के गेट पर दादी माँ किसी के साथ बहस कर रही है। अब जब लेखक ने बहस करते हुए दादी को सुना तो वो जल्दी से दादी के पास पहुंचा तो देखा सामने दुबकी हुई यानी डरी हुई रामी की चाची जो है वो खड़ी हुई है, जिसका नाम क्या है? धर्मो। वो बेचारी खड़ी हुई है और दादी उसको डांट रही है, पिछले बार जो पैसे लेके गई थी वो तो तूने अब तक नहीं दिए और तू दोबारा पैसे लेने आ गई, जब तुझे पैसे चाहिए होते तब तो तू नाक रगड़ने लग जाती है, पांव पकड़ने लग जाती है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो मुंह भी नहीं दिखाती। तूने कहा था कि फसल कटने पर पिछला बकाया वापस कर दूंगी, क्या तेरे लिए और फसलें कटती रहेंगी? कितनी फसलें कटेंगी तेरे लिए? जब तक तू पिछले पैसे नहीं देगी तब तक मैं तुझे आगे पैसे नहीं दूंगी। और रामी की चाची बेचारी मजबूर पांव पकड़ने के लिए दौड़ती है कि दादी मालकिन तुम्हारी बेटी की तरह है, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी शादी नहीं होगी, और आकर के वो दादी के पांव पकड़ने लगती है। लेकिन दादी उसको पीछे हटाती, चल चल हट पीछे, अभी अभी तो नहा करके आई हूं। तो इस तरह से दादी का ऐसा व्यवहार लेखक को अटपटा लगता है, वो देखता है कि दादी ऐसा क्या कर रही है। लेकिन लेखक उस बात को वहीं छोड़ने के लिए दादी को कहता है कि चलो दादी कोई बात नहीं, दे देगी पैसे, बाद में लेना। लेकिन दादी उसी को डांटते हुए लेखक को ही डांट देती कि अच्छा तू मुझे सिखाएगा, तू मेरे से बड़ा हो गया, चल तू अपना काम कर, और लेखक वहां से चला जाता है। मन ही मन सोच रहा होता है लेखक की दादी का ऐसा व्यवहार, दादी रामी की चाची के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। लेकिन समय बीत जाता है, कई दिन बीत जाते हैं, महीने दो महीने बीत जाते हैं, एक दिन फिर लेखक जो है घर से बाहर निकल रहा होता है तो देखता है रामी की चाची दादी को पूतो फूलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद देती हुई बड़ी खुशी से निकल रही होती है। लेखक उसके पास जाता है, उसको बुलाता है, रामी की चाची इधर आओ, धनु चाची इधर आओ। वो आती है, बड़े उसके चेहरे पर खुशी होती है, वो कहते हैं क्या हो गया, उस दिन तो दादी आपको डांट रही थी और आज आप उसको आशीर्वाद दे रही हो, ऐसा क्या हो गया? तो धन्नो बताती है कि बहुत भली मालकिन है हमारी, देखो उसने मेरा पिछला पैसा भी माफ कर दिया और 10 रुपए और दे दिए, और ये कहा कि तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है, शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, जग हसाई नहीं होनी चाहिए, और मुझे पैसे दे करके मुझे भेज दिया। तो मैंने कहा कि अरे उस दिन तो तुम्हें डांट रही थी, आज पैसे कैसे दे दिए?
तो इस पर धन्नो चाची कहते हैं, बड़े लोग हैं, पैसे देकर अगर डांटे भी ना तो क्या करेंगे, बहुत अच्छी है मालकिन। और वो ये कहती हुई वहां से निकल जाती है। लेखक सोचता है कि देखो दादी का एक नया रूप लेखक के सामने आता है कि चाहे भले ही उस वक्त उसने उसको डांटा हो, लेकिन उसके कठिन समय में विपरीत परिस्थितियों में दादी माँ ही काम आई और दादी ने ही उसकी सहायता की। तो इस तरह से समय बीतता है। एक दिन किशन भैया, लेखक का भाई जो है, उसकी शादी का त्योहार घर में चल रहा था। अब शादी का त्योहार हो, शादी का अवसर हो, समारोह का अवसर हो, तो दादी को बड़ा अच्छा लगता है। दादी उसमें हिस्सा लेती है क्योंकि घर की सबसे बड़ी है। सब उससे पूछते हैं कि दादी ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, वो कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी घर में उसका स्थान सबसे ऊपर है क्योंकि सबसे बड़ी है, बुजुर्ग है। जीवन में जो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हीं अनुभवों के आधार पर वो सबको अलग अलग काम देती है। तो किशन भैया की शादी थी, उस शादी के दौरान लेखक थोड़ा बीमार पड़ गया। अब जब वो बीमार हो गया तो वो बेचारा किशन भैया की शादी यानी कि उसकी बारात में नहीं जा पाया। उसका एक और भाई जिसका नाम आया है राघव, जो ममेरा लड़का था, वो बेचारा लेट हो गया और इस वजह से वो भी बारात में नहीं जा सका। अब जब वो बारात में नहीं जा सका, हम भी देखते हैं बच्चों कि जब बारात चली जाती है तो घर में जो स्त्रियां रह जाती हैं, महिलाएं रह जाती हैं, औरतें रह जाती हैं, वो घर में रह करके गीत गाती हैं, नाटक करती हैं, अलग अलग अभिनय करती हैं। तो इस तरह का अभिनय घर पर चल रहा था और जहां ये काम हो रहा था वहां पुरुषों का आना निषेध था, यानी पुरुष वहां नहीं आ सकते थे। लेकिन राघव बेचारा वहीं आ गया और जैसे ही राघव आया तो देवू की माँ और गांव की और पड़ोसने जो थी वो उस पर टूट पड़ी, कहने लगा नहीं नहीं यहाँ पुरुषों का मना है, तुम बाहर जाओ। और इतने में दादी उसकी सहायता के लिए आ जाती है। दादी कहती है अरे ये तो बच्चा है और बच्चा तो ब्रह्मा का रूप होता है, नहीं भगवान का रूप होता है, इससे कैसी शर्म, चल अल्लाह बैठ जा, उसको बैठा देती है। लेकिन लेखक बीमार था तो दादी ने उसको भी वहीं पर चादर ओढ़ा करके लेटा दिया था और वो चुपके से जो है सारा काम देख रहा था, सारा नाटक देख रहा था। बीच बीच में कुछ हंसी के प्रसंग भी आते थे, उन हंसी के प्रसंगों पर लेखक ध्यान देता था और उसकी हंसी ना निकल जाए उसे भी रोकता था, क्योंकि अगर हंसी निकल गई तो उसका भंडा फोड़ हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा और उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गांव की एक भाभी ने ऐसा चुटकुला छोड़ा कि लेखक को हंसे बिना नहीं रहा गया, उसकी हंसी निकल गई। और जैसे उसकी हंसी निकल गई तो सबको पता चल गया कि शिव प्रसाद सिंह यानी लेखक यहां लेटा हुआ है, तो सब उस पर भी टूट पड़ी, अरे ये कहां से आ गया, अच्छा ये तो बच्चा है, ला इसको दूध तो पिला दूं। दादी मां फिर लेखक के बचाव के लिए प्रकट हो जाती है, कहती है अरे नहीं नहीं तुम्हें बताया है कि बच्चे तो ब्रह्मा का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, इनसे कैसी शरण, तुम अपना काम करो। और लेखक को वहां भी वो बचा लेती है, इस तरह से लेखक वहां भी बच जाता है। तो कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब कुछ दिन से लेखक देखता है कि दादी बहुत परेशान रहती है, दुखी रहती है, क्योंकि दादा की याद उसे सताती है। अब जब वो परेशान और दुखी रहती है, दादा की याद उसे सताती है, तो वो क्या करती है, घर के कोने में नहा करके दिया जला करके उसके सामने बैठ जाती है, बैठ जाती है, रोती रहती है। लेकिन लेखक जब दादी को इस अवस्था में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, दादी से पूछता कि दादी क्या हो गया, क्यों रो रही है। लेकिन दादी बात को बदल देती है, अरे तू यहां कहां से आ गया, तूने तो अब तक नाश्ता भी नहीं किया, चल तेरे को नाश्ता कराती है। और उसको जबरदस्ती वो किचन में ले जाती है, रसोई में ले जाती है। लेखक नाश्ता कर लेता है, खाना खा लेता है। अगली सुबह देखता है कि पिताजी और भैया, किशन भैया और पिताजी जो है माथा पकड़ करके बैठे हुए हैं, परेशान है कि क्या करें कैसे करें, क्यों, क्योंकि घर की स्थिति खराब हो गई थी। खराब क्यों हो गई थी, दादाजी मर गए थे, दादाजी के चले जाने के बाद जो पिताजी के दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त होते हैं जो लूटने खसोटने वाले होते हैं, बहुत सारे कुकुर मुक्कर की तरह जो पैदा हो जाते हैं लूटने खसोटने वाले, उन्होंने धीरे धीरे करके पिताजी से सारी संपत्ति लुटवा दी और
दादाजी के श्राद्ध पर, दादी के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। अब वो खर्चा किया, पैसे घर में तो थे नहीं, किसी से उधार लिया, इससे उधार लिया, और आज वो सभी उधार वाले अपना उधार मांगने आ गए हैं। लेखक के पिताजी के पास कुछ है नहीं, लेखक के पिताजी ने भी जिसको थोड़ा बहुत उधार दिया था वो लोग भी पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, लेखक परेशान, लेखक के पिताजी परेशान है, उसका भाई भी परेशान है कि क्या किया जाए। ऐसे में फिर इस परेशानी का सबब बन करके शाप भ्रष्ट देवी की तरह प्रकट हो जाती है दादी। दादी कहती है, अरे क्या क्या हो गया, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? वो पिताजी कहते हैं कि अम्मा देखो, इतना जो है घर की स्थिति बिगड़ गई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, लोग पैसे मांगने आ रहे हैं लेकिन घर में तो कुछ है ही नहीं, कहां से मैं सबका जो है कर्ज दूं? तो दादी कहती है रुक जा, और दादी जाती है अपनी संदूक में से एक सोने का कंगन निकाल करके लाती है। वो सोने का कंगन दादा ने दादी को दिया था कि जब भी कभी घर में विपरीत परिस्थितियां आए, बुरा समय आए, तो ये कंगन उनकी सहायता कर सके। तो लेखक की दादी जो है पहुंच जाती है और उनको कहती है कि ये लो कंगन, तुम्हारे दादा ने मुझे दिया था, तुम इसे दे दो और अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा लो। तो ये बात देख करके पिताजी भी खुश होते हैं और किशन भैया भी, और मैं पीछे खड़ा हुआ सोच रहा होता हूं, यानी लेखक, कि देखिए एक बार फिर दादी ने जो है घर की इज्जत को बचा लिया। किस तरह से शाप भ्रष्ट देवी की तरह प्रकट होकर के घर की समस्या को भी उसने हरण कर लिया है, समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से लेखक इन बातों को सोच रहा होता है और उस पत्र को पढ़ रहा होता है जिस पत्र में लिखा होता है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, दादी चली गई है। लेखक की आंख से आंसू निकल करके उस पत्र पर गिरते रहते हैं। लेखक बहुत याद करता है दादी को और वो देखता है कि सुबह हो गई है, उसकी खिड़की के बाहर सूरज थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है और कौवे ने अपने पंख फैला करके कां कां करना शुरू कर दिया है और पक्षियों की चहचहाट भी सुनने लगती है। तो यही कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। इस कहानी में बच्चों हमने देखा कि किस तरह से दादी की महत्वता को लेखक ने बताया है। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप सभी को पीडीएफ फाइल में इस कहानी का सार भी भेजा जाएगा, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा मैंने समझाया है, थोड़ा आप पढ़ेंगे तो कहानी स्पष्ट हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ में आने वाले प्रश्नों की बात करते हैं, मुख्य प्रश्नों की बात करेंगे। इस पाठ में जो पहला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या एक, वो प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ और किन किन बातों की याद आ जाती है? ठीक है बच्चों, प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ, यानी कि दादी माँ की याद आई, क्या क्या याद आया दादी माँ का, कि दादी माँ कैसे जब वो बीमार हो गया था तो उसके पास आती है, उसको खाने के लिए देती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका पेट छूती है, माथा छूती है, उसके मुंह पर जो है किसी अदृश्य चबूतरे की मिट्टी लगाती है और बार बार उसका ध्यान रखती है। ठीक है, ये सभी चीजें दादी की याद आती है। इसके साथ साथ और किन किन बातों की याद उसे आती है अपने बचपन की, कौन कौन सी बातें याद आती है? कि जब वो छोटा था, गांव में जब क्वार का महीना आता था तो उस महीने में वो क्या करता था,
जो जलाशय भर जाते हैं गंदे पानी से, उसमें स्नान करता था, कभी कभी बीमार भी हो जाता था और उस बीमारी से उसे अच्छा भी लगता था क्योंकि उस बीमारी में उसको घर वालों की तरफ से अलग अलग चीजें खाने के लिए दी जाती थी। ठीक है, तो और भी काफी सारी बातें इसमें आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या दो। प्रश्न दो, दूसरा प्रश्न जो है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। मैं लिख देता हूं बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। ठीक है, प्रश्न को समझिए बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। समझते हैं, जैसे ही दादा से पहले घर में सभी चीजें थी, संपन्न परिवार था, लेकिन जैसे ही दादा की मृत्यु हुई तो जो अनचाहे मित्र होते हैं, जो कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो जाते हैं और फायदा उठाने वाले होते हैं, पिताजी के बहुत सारे ऐसे मित्र बन गए जिन्होंने दादा द्वारा सहेजी गई संपत्ति को धीरे धीरे पिताजी द्वारा खर्च करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये खर्चा बढ़ता चला गया, घर में आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होती चली गई। दादी के बार बार मना करने पर भी पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर बहुत ज्यादा खर्चा किया। अब इतने पैसे घर में तो थे नहीं, तो वो खर्चा कैसे किया गया, अलग अलग लोगों से ब्याज पर पैसे लिए गए, और जब ब्याज पर पैसे लिए गए और वो लौटाए नहीं गए तो घर का सामान बिकना शुरू हो गया। इससे क्या हो गया, घर की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या तीन की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों। दो चीजें बतानी है, प्रश्न को थोड़ा समझेंगे पहले। कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है तो एक प्रश्न में दो या तीन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो पहली बात पूछी गई है उसका पहले पहले में जवाब दिया जाए, दूसरी बात का जवाब दूसरे पहरे में दिया जाए, और अगर तीन चीजें पूछी हैं तो तीसरी बात का जवाब तीसरे पहरे में दिया जाए। इससे आपका जो उत्तर देने का ढंग है वो बहुत अच्छा होगा। तो हम पहले बात करते हैं प्रश्न की, दादी माँ के स्वभाव की कौन कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है। पहली बात, दादी माँ के स्वभाव के वैसे तो सभी पक्ष अच्छे लगे हमें, लेकिन दादी का एक बहुत अच्छा स्वभाव था कि जब भी कोई बीमार हो जाता था तो दादी उसके लिए गांव के ना जाने कितने नुस्खे अपना करके उसका इलाज करती थी, उसका ध्यान रखती थी। गांव के सभी जितने भी लोग बीमार हो जाते थे उनके पास जाती थी, उनका हाल चाल पूछती थी, उनका बुखार यानी ज्वर चेक करती थी, जांच करती थी उसकी। और इसके साथ साथ जब भी लेखक से कोई अपराध हो जाता था जाने अनजाने में, तो दादी जो है वो अपराध करके दादी की शरण में चला जाता था, उनके आश्रम में चला जाता था, तो दादी के पास जाते ही लेखक को उन सभी अपराधों से अभयदान मिल जाता था। अभयदान मतलब माफी मिल जाती थी, क्षमा मिल जाती थी, लेखक को यह भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, अक्सर जो है दादी घर की जरूरतों में जो है एक शाप भ्रष्ट देवी की तरह प्रकट हो जाती थी। शाप भ्रष्ट देवी मतलब बच्चों, जो ऐसी देवी जो सभी शापों को समाप्त कर दे, सभी का निदान कर दे। जैसे घर में समस्या आई थी, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी और भैया चिंतित थे कि क्या किया जाए, उस चिंता को कैसे दादी ने समाप्त किया कि अपने पति द्वारा यानी दादाजी द्वारा दिए गए कंगन को उन्होंने कभी पहना नहीं, हमेशा संभाल करके रखा कि कभी परिवार की
जरूरत में ये काम आएगा। और वो कंगन ला करके पिताजी और भैया को दे देती है, जिससे परिवार का कर्जा जो है वो मुक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से दादी के पक्ष के ये पहलू हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि दादी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जैसे हमने देखा कि रामी की चाची, जिसने दादी से काफी उधार ले रखा था, जबकि उसने पिछला उधार नहीं चुकाया, फिर वो और उधार मांगने आ गई, लेकिन दादी ने उसको और उधार 10 रुपए दिए और ये भी कहा कि तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है, उसकी शादी अच्छे से होनी चाहिए। तो इस तरह से इन सभी बातों से हमें लगता है कि दादी के स्वभाव का प्रत्येक पहलू जो है बहुत अच्छा था। तो विद्यार्थियों, ये हमारा पाठ था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आपके पास जो है पीडीएफ फाइल में भेज दिया जाएगा, उनको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे और अपनी अभ्यास कॉपी में उनको जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ था, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और जो भी चीज आपको ना समझ में आए तो आप जो है उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।